24 घंटे लगने वाले हैं मुझे, लेकिन सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ गई यार। इनसे मेरी बातचीत हो रही थी, इनको कॉफी पीना था। पूरा एक्सपीरियंस जो था ना पूरा खराब हो गया दोहा आने तक का। इतनी घटिया एयरलाइंस। हमारी जिंदगी के इस सफर में कुछ सफर ऐसे होते जो हमारी जिंदगी के साथ में हमेशा से जुड़े हुए होते और उसकी यादें हमारी जिंदगी में हमेशा रहती है। कुछ ऐसा ही सफर था मेरा हिंदुस्तान से अमेरिका का। आप में से कई सारे लोग मुझे मेरे पिछले चैनल से फॉलो करते हुए यहाँ पर आए हुए, और आप में से कई सारे लोग ऐसे भी है जो मुझे पहली बार देख रहे हैं। तो मैं बता दूं, मेरा नाम है रियान और मैं यहाँ अमेरिका में मैरीलैंड स्टेट में आया हूँ। इस वीडियो में ये भी जानेंगे इंडिया से अमेरिका आने का जो सफर होता है वो कैसा होता है, पहली बार जब अमेरिका आते हैं आप लोग तो किस तरीके के सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो चले चलते हिंदुस्तान से अमेरिका आई हुई फ्लाइट में। अभी जैसे एयरपोर्ट पर पहुंचे यार, मम्मी यार ऑलरेडी इमोशनल हो चुके हैं। मम्मी रोना नहीं है, पब्लिक तुमको व्लॉग में देख रही है, पब्लिक बोलेगी, पब्लिक तुमको चाहती है तुमको खुशी खुशी देगी। अगर तुम इमोशनल होंगे ना ऐसा रोएंगे ना, तो मुझे एक्चुअली बहुत पूरे फ्लाइट में भी मुझे रोना आएगा और फिर मैं और सैड हो जाऊंगा। रोना नहीं अभी क्या, मैं तो आने वाला इंशाल्लाह, अभी मेरा प्लान यही है मम्मी कि 6 महीने के बाद फिर इंशाल्लाह तुमको साथ में लेकर चलूंगा। तो इमोशनल होना बंद करो और रोना बंद करो, समझे क्या? नहीं मुझे, मैं अभी भी मैं 10 मिनट बाहर रुकूंगा। मेरे दोस्त लोग यार 1.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों से मुलाकात करते हैं और फिर आगे निकलते हैं चेक इन करवाने के लिए। चलो ये लोग, चलो वहाँ पर खड़े, एक्चुअली गेट नंबर 5 पर 5 से मुझे जाना है। ये लो हुसैन भाई भी आ गए, हुसैन भाई भी आ गए। देखो कितना साफ बोल रहा है, जैसे कि मैं इसके साथ आया हूँ। यहाँ पे शोएब भाई भी आए हुए, भूपेश डायरेक्टली जॉब पे से आया मेरा भाई। मम्मी कहीं, मैं वही बोल रहा था, बड़ा मजा आया मम्मी के साथ में भी। चल तू अपना ध्यान कर, मैं तो जरूर टेबल टिकट फ्री जल्दी जल्दी में निकल गया ना। आया था तभी भी मम्मी रो रहे थे, लोग हंसते खुश होते, और अभी जा रहा हूँ तभी भी मम्मी रो रहे भाई। इनके लिए तो स्पेशल कैमरा, इन्होंने तो अजमेर ब्लॉग में तो इन्होंने धूम मचा दी। अगले साल आ रहा है तो आगे ले जाए, पहले बहुत बेटर है। और अभी बात है भाई कैमरा मैन की, ये है भाई आर के सिंह, अमेरिका के इम्पोर्टेंट आदमी। यार शोएब भाई रोएगा तो कैसे चलेगा यार। अरे शोएब भाई रो रहे हैं यार, शोएब भाई रोने का थोड़ी है यार। अरे भाई रो मत यार भाई, भाभी को सलाम बोला है। मिलने का कार्यक्रम अभी तक खत्म हुआ नहीं है, से तो मिलना स्पेशल वाला बाकी है अभी। पूरे 24 घंटे लगने वाले हैं मुझे, 24 घंटे। अभी यहाँ इंडिया के 6 बजे प्लेन उड़ेगा, इंडिया के जब 6 बजेंगे दूसरे दिन तब मैं वहाँ पर लैंड करूँगा। मैं एक्चुअली इतना इमोशनल हूँ ना, इतना अंदर से सैड हूँ ना, क्या बताएं, मम्मी और रोना शुरू कर देंगे। जल्दी वक्त चला गया यार, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 1 महीना इतने जल्दी जाएगा मैंने सोचा नहीं था। ये सरप्राइज से बात कर रही थी, वो बोल रहा था भाई बहुत जल्दी जाएगा ये 1 महीना। चलो चलते पहले चेक इन करवाते हैं, होप मेरा बैगेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आया यार, भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है। I have a quick question. I have a co-sharing flight for Qatar Airways with Indigo. So, let me check. Same? Okay, thank you. आई थिंक इंडिगो से ही भाई हमें चेक इन करनी पड़ेगी, कि को शेयरिंग फ्लाइट है कतर एयरवेज की। क्या बात है, मैंने कतर से ही किया था, लेकिन हाँ दोहा के बाद से फिर कतर एयरवेज मिलेगी। ये इनकी को शेयरिंग फ्लाइट है इंडिगो के साथ में जो दोहा जाती है। आज इस बार इंडिगो की इंटरनेशनल सर्विस कैसी होती है ये भी बताते हैं आप लोगों को, उसका पूरा रिव्यू देता हूँ आज। और मैं इंडिगो एयरलाइन से पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ, इंडिगो एयरलाइन से। डोमेस्टिक तो काफ़ी ट्रैवल किया यहाँ पर, इंडिगो का एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा होता है। क्योंकि दोहा के बाद से जो मेरा वाशिंगटन डीसी का फ्लाइट है वो कतर एयरवेज का ही है। जैसे मैंने बताया ये कोड शेयरिंग फ्लाइट है, फेयर में कोई डिफरेंस नहीं था, फेयर उतना ही था, बट टाइमिंग के हिसाब से मैंने ये टाइम सेलेक्ट किया था। मैं अक्सर प्रीफर करता हूँ 3.5 घंटा पहले आ जाओ, लेकिन यार ट्रैफिक में आज इतना फंस गया। और देखो ये हुआ, जब वाशिंगटन डीसी से निकला था कितना खाली था, फिर मेरे बाद क्राउड हुआ था। वो वाला ब्लॉग नहीं देखे हो जाकर देखना, पता चलेगा आपको। होप जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, अभी हो रहा है 3:45।
चलो मम्मी लोग को बाय बोल कर निकलते यहाँ सिक्योरिटी में। बस अभी इमिग्रेशन वगैरह में ज्यादा टाइम नहीं लगे बस में। मेरे पास कुछ इंडियन रुपीस पड़े हुए, चलें यहाँ से देखते क्या रेट मिल रहा है, कितना रेट मिल रहा है। यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना कि मैं क्या बताऊँ यार। 5:30 की मेरी बोर्डिंग है और अभी तक मैं यहाँ गेट पे मैं चेक इन करवा लिया, सिक्योरिटी करवा लिया, लेकिन सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ गई यार। मेरा जो ड्रोन था वो ड्रोन की वजह से यहाँ पे नौटंकी शुरू कर दी लोगों ने यार। मैं सब बताता हूँ क्या हुआ, दिमाग खराब हो गया ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मेरे 5:35 का अभी डिपार्चर है और मैं अभी तक यहाँ पे चेक इन काउंटर के पास आसपास घूम रहा हूँ। अब मुझे यहाँ से दौड़ना पड़ेगा। पूरा एक्सप्लेन करता हूँ क्या हुआ, एग्जैक्टली सब बताता हूँ। अब यार सब चीज़ क्लियर करने के बाद अब मैं बोर्डिंग करने जा रहा हूँ फ्लाइट। यार हालत खराब हो गई, इतनी चेकिंग जितना मुझे आने में तकलीफ नहीं हुई थी ना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ जाने में तकलीफ हो रही है। तो ये एक्सपीरियंस से भाई मेरा यहाँ से यूएस जाने का, भी और बहुत कुछ आप लोगों से शेयर करूँ आगे। फ्लाइट बोर्ड करते और दोहा में पहुंचने के बाद मैं पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। अरे भाई ये क्या है, ना कोई स्क्रीन ना कुछ, ये तो एयरबस A321 दे दिया इन्होंने यार। मज़ा नहीं आया देखकर, बिना स्क्रीन के बिना चार्जिंग कुछ भी नहीं है। लेग स्पेस है ऑनेस्टली बताओ ना, ज़रा भी मज़ा नहीं है, सीट भी थकेली यार। कुछ तो इम्प्रूवमेंट करो इंडिगो वालों यार, इंटरनेशनल फ्लाइट है क्या कर रहे हो, ना कोई चार्जिंग के लिए कुछ भी नहीं, नो एंटरटेनमेंट नो चार्जिंग नथिंग, मतलब जितना भी आप पैसा दे रहे हो बैठो और चलो। एटलीस्ट अच्छा है कि विंडो सीट लिया, कि बाहर देखकर तो टाइम पास कर लूँगा यार। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अच्छा है कि उसके बाद कभी इंडिगो का यूएस जाता भी नहीं है, कि मैं ऑनेस्टली आप लोगों को एकदम जेन्युइन फीडबैक देना चाहता हूँ। खाना देखता हूँ क्या मिलता है, 3.5 घंटा इंटरनेशनल फ्लाइट है, थोड़ा तो एंटरटेनमेंट का कुछ तो रखते। अब ऑलमोस्ट 25 मिनट फ्लाइट डिले हुआ है। एक महाशय मिल गया हमारे साथ में, पास वाली सीट में बैठे, इनसे मेरी बातचीत हो रही थी, इनको कॉफ़ी पीना था। आप बोला रुको मैं ऑर्डर करता हूँ, मैं उनको बोलते हैं कॉफ़ी लेके आओ। मैंने बोला भाई मिलेगी अभी, मैं बोला मैं पूछता हूँ, पूछा एक कॉफ़ी मिलेगी यार। वो उसकी टोन भाई कैसी टोन थी, बोलती है डू यू वांट परचेज, बोला मुझे पे करना पड़ेगा, अफकोर्स भैया आपको, बोले नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, ओके चलते चला गया। ये फ़र्क होता है एयरलाइंस टू एयरलाइंस, सही बोल रहे हो भाई, गलत टोन थी उनकी, सही थी ना, सही बोल रहा हूँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिकॉज उनका एक रूल है भाई, सैंडविच पकड़ा देंगे आपको इंटरनेशनल फ्लाइट में, और एक कोक दैट्स इट, या एक कॉफ़ी दे देंगे। एक्चुअली तो मैंने पहले ही देखा, 2-3 लोग जब कुछ मैगी वगैरह जिन्होंने ऑर्डर किया, वो भाई साहब ने एक वेफर मांगे, बोले पैसा पे करना पड़ेगा। मैं उनको वही बोल रहा था ना, इंटरनेशनल फ्लाइट में इतनी चीज़ का पैसा देना पड़ रहा है, आपके हिसाब से क्या सही है ये? गलत है, आदमी 18,000-20,000-25,000 की टिकट लेके बैठता है, उसके बाद इसमें आके खरीदना पड़ेगा तो आदमी को बुरा लगेगा ना। और अच्छे से बात करो यार, अच्छे से बात करो, मतलब नहीं है तो बता दो, अच्छे से बोलो यार, प्यार से बात करो, आप सर्विस देने खड़े हो। सही बात है, फिलहाल तो मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पर दोहा एयरपोर्ट पे। अभी आप लोग पीछे देखकर, जैसा मैं जब यहाँ से इंडिया जा रहा था तभी भी आप लोगों को पता है कि कैसा दिख रहा था दोहा एयरपोर्ट, तो आज भी देख लो। मुझे ये बताना था कि यार मैं आज, मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस जो था ना पूरा ख़राब हो गया दोहा आने तक का। इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले ब्लॉग्स में आपको यूएस के ब्लॉग्स अच्छे से देखने के लिए मिले। सो यार एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यार, मेरा जो इंडिगो वाला फ्लाइट था उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। 3rd क्लास यार, इतनी घटिया एयरलाइंस इंटरनेशनल के लिए, डोमेस्टिक के लिए भाई वो डोमेस्टिक तक की ठीक है, इंडिगो को आप ये मत सोचो कि इंटरनेशनल के ट्रैवल करोगे, ना कोई एंटरटेनमेंट सिस्टम जैसा मैंने बताया। सेकंड खाना क्या बकवास खाना यार, मतलब एक सैंडविच इंटरनेशनल फ्लाइट में एक सैंडविच कौन देता है खाने के लिए यार। फिर जब दूसरी ड्रिंक हम लोग ने मांगे, जैसा मैंने बताया बंदी बोलती है पैसा पे करना पड़ेगा यार। इंटरनेशनल फ्लाइट में आप 20-25,000 रुपए की टिकट लेकर अगर कोई बॉम्बे से दोहा भी अगर सिर्फ जा रहा है, 25-20-18,000 की टिकट लेकर अगर उसको एक 20 रुपए वाले चिप्स का 150 रुपया पे करना पड़े, या कॉफी का 160 रुपया पे करना पड़े, तो ऐसी एयरलाइन से जाके क्या फायदे का मुझे ये बताओ। सीट यार ऑनेस्टली बताओ, 3 घंटे में ना मेरी बैक पेन करने लगी, मेरा
मेरा बम पेन करने लगा। इतनी घटिया सीट, इतनी कड़क, इतनी पतली, वही डोमेस्टिक में। आप लोग इंडिगो से ट्रैवल किया तो आपको पता होगा, इंटरनेशनल में बोलोगे पूरे डोमेस्टिक का ही फ्लाइट उठा के इंडिगो में। भाई इंडिगो से अगर किसी को जाना तो मत जाना, अगर कोड शेयरिंग फ्लाइट लेते हो कतर एयरवेज की, कोड शेयरिंग फ्लाइट भी मत लेना अगर कोड शेयरिंग इंडिगो है तो। बिकॉज हम लोग ने यही सोचे थे, वहाँ पे एजेंट लोग भी मुझे, मेरा जो बाजू वाला बैठा था वो भी मुझे बता था, भाई वो जो एजेंट था ना उसने बोला था कि कोड शेयरिंग फ्लाइट है तो वहाँ पे कतर एयरवेज ही रहेगी, खाली इंडिगो का नाम आएगा, लेकिन पूरी फ्लाइट इंडिगो की ही जाती है। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना कोड शेयरिंग फ्लाइट लेने की। तो ये हो गई बात इंडिगो की। अब बात करते हैं मेरे इमिग्रेशन के पहले मेरे साथ में क्या हुआ, बॉम्बे एयरपोर्ट पे मेरे साथ क्या हुआ, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो, वहाँ पर भी मैं अपने ब्लॉग्स की अपडेट वगैरह देते रहता हूँ। और जो भी मुझे इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है उनसे कि यार प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। आज से शुरुआत करते नई जिंदगी की, यहाँ अमेरिका का जो सफर है मेरा उसके साथ में। और जो मेरा दूसरा चैनल है वहाँ पर भी जाके आप लोग वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज कंटेंट दोनों जगह आने वाले हैं, दोनों जगह आपको जबरदस्त और भरपूर से वीडियो देखने के लिए मिलेगी।